बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो बआसानी आपको मिल सके। आज जो मैं आपको वजीफा बताने लगी हूँ, बहुत प्यारा, बहुत आला रमजान अल मुबारक का वजीफा, जो आपको कभी किसी ने नहीं बताया होगा। अगर आप ये वजीफा कर लेते हैं तो यकीन माने कि जिंदगी में आपको और किसी वजीफे की जरूरत भी नहीं होगी। लेकिन अपनी इस बहन को दुआओं में ज़रूर याद रखें। अगर कोई परेशानी, दुख, तकलीफ है तो अपनी इस बहन को ज़रूर बता सकते हैं और इंशाल्लाह आपकी बहन पूरी कोशिश करेगी कि आपके लिए दुआ वगैरह करती रहे, करवाती रहे मदरसे में भी, और आपकी जो है मदद करती रहे इंशाल्लाह। आज जो मैं आपको वजीफा बताने लगी हूँ, इतना रिस्क आपके घर में आएगा कि आपकी सोच है, कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ हो, किसी भी किस्म का मसला हो, जो आज मैं आपको तरीका बताऊंगी, अगर आप वो कर लेते हैं तो यकीन माने दोबारा कभी भी कोई परेशानी आपके घर में नहीं आ सकती। जिन बहनों की परेशानी है शादी की, भाइयों की परेशानी है रिश्तों की, तो वो लोग भी ये वजीफा ज़रूर करें। सबसे पहले तरीका इसका, रिस्क का मैं आपको बताने लगी हूँ। उससे पहले, जैसा कि मेरी शुरू से आदत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस से शुरू करते हैं, लेकिन आपसे एक छोटी सी अपील और छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप रमज़ान में अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीसों को आगे तक लोगों तक पहुँचाते हैं तो इसका सवाब आखिरत में आपके आल औलाद को भी मिलता है और आपको भी। आपको पता नहीं होता कि आपने, आपके पास इतने अमाल कहाँ से आ गए। जिसने रोज़ेदार को रोज़ा अफ्तार करवाया, इसे भी इतना अजर मिलता है जितना रोज़ेदार के लिए होगा, और रोज़ेदार के अजर में कुछ भी कमी ना होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे, हम जिनके उम्मती हैं, जो जब मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेती हूँ तो आपसे गुजारिश है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद शरीफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़रूर भेजा करें। इसकी भी रहमतें और बरकतें आई हैं। जब रमज़ान का महीना दाखिल होता है तो आसमान के दरवाजे, और एक रवायत में है कि जन्नत के दरवाजे, और एक रवायत में है कि रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, शैतान को जंजीरें पहना दी जाती हैं। अल्लाह पाक की रहमतें और बरकतें कितनी बुलंद हैं कि जो हमें तंग करता है, जो शैतान हमें तकलीफ पहुँचाता है, अपने चेलों के जरिए तकलीफ पहुँचाता है, उसको कैद कर लिया जाता है। अल्लाह पाक की रहमतों से ना उम्मीद ना हो मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। अमल, दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, दुनिया में मैं कहती हूँ कि जब तक आपका अपने रब से तल्लुक कायम नहीं होगा तब तक कोई ऐसी ज़ात नहीं है जो आपकी मुश्किल आसान कर सके, कोई ऐसी ज़ात नहीं है जो आपकी मुश्किल को या तकलीफ को ख़त्म कर सके सिवाय अल्लाह। एक इंतहाई और बहुत बुलंद मिजाज आपको अमल बताऊंगी, परेशानी और दुख तकलीफों का ये अमल, और हाजत का अमल, रिस्क और दौलत के लिए ये अमल आप कर सकते हैं। आपने क्या करना है, 7 दाने चावल, 7 दाने गंदम। अगर आप फर्ज करें आपके पास चावल तो आम घर में से मिल जाते हैं, लेकिन गंदम नहीं होती अक्सर घरों में, आटा मतलब कि पिसा हुआ है, तो आपने क्या करना है, गौर सुने, आपने 1 चम्मच, देखें चावल के 7 दाने ले लें और 1 चम्मच आटा ले लें, दोनों को मिक्स कर लें, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि जो तरीका मैं आपको बताऊंगी सिर्फ वो करें, चावल के दाने और गंदम का आटा, ये आपने लेना है। पहले हर चावल के दाने के ऊपर आपने अव्वल आखिर दूसरी पढ़ना है, दरमियान में या राजी को या रहमान या रहीम, ठीक है। कुल मिला के 30 मरतबा आपने तीनों को लफ्ज़ों को पढ़ना है। 30 मरतबा के बाद चावलों पे दम करना है, फिर आपने आटे के ऊपर दम करना है। अब चावल अलग कर लें, आटा जो आपने 1 चम्मच लिया था, अगर कोई बहन है तो ये वजीफा कर रही है तो फिर आपने वो आटा जो सा है अपनी और सारे आटे में मिक्स कर दें, ठीक है। और जो चावल है वो घर में किसी भी कोने में आप ऊंची जगह पे रख लें। अब आप जो लोग रिश्तों के हसूल के लिए कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, जो आपने 7 दाने चावल के लिए, अगर कोई अपने प्यार के, जो अपने प्यारों को बुलाने के लिए या अपने जिनको आप चाहते हो, जिनको नाराज हो, जो रूठ चुके हों, उनको पुकारने के लिए, उनको मुसफ़र करने के लिए तरीका ये है
कि जो जावलों के दाने हैं वो आपने सूरह मंजिल और मुजम्मिल, पहले मंजिल फिर मुजम्मिल पढ़नी है, तीन मरतबा मंजिल तीन मरतबा मुजम्मिल, पहले मंजिल तीन मरतबा फिर मुजम्मिल, मगरिब के टाइम तीन दिन पढ़नी है, और उन चावलों के दानों पे फूंक मार के किसी हरे कपड़े में लपेट के रख लें। यकीन माने जैसा चाहेंगे वैसा होगा, जो चाहेंगे इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत और बरकत है वैसे हो। तीन दिन का वजीफा ये लाजिम करें। नंबर दो, अगर किसी को तंगदस्ती और परेशानी है, कोई तकलीफ है, तो किसी कपड़े में लपेट के, नीम कपड़े में लपेट के आटे में चावलों को रख दें। दुकान में भी चावलों को रख सकते हैं, किसी शॉप पे भी, जेब में भी रख सकते हैं रिज़्क़ के हुसूल के लिए। अगर किसी ने अपनी हाजत पूरी करवानी है तो वो चावलों के दाने के ऊपर दम करे, ठीक है, वो किसी भी जगह जहाँ पे चूटियां वगैरह हो वहां पे डाल दें, चिड़िया हो वहां पे डाल दें, और चावलों में मिक्स करके डाल दें, और बाजरे में मिक्स करके डाल दें जैसे आपको मुनासिब लगे। परिंदों को डाल सकते हैं, चूटियों को डाल सकते हैं, तो अपनी जो भी मुश्किल है वो आसान करवा लें। यकीन माने कि पूरी जिंदगी रिस्क खत्म नहीं होगा, पूरी जिंदगी कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। रमजान की आप जौन सा है, रमजान में एक दिन मतलब के मखसूस करें, लेकिन रमजान की 14 से पहले पहले अमल करें। पढ़ाई और अमल का एक तरीका है बावजू, पाक कपड़े, फजर, तहज्जुद, इशा, ये टाइम, दिन, पीर, जुमेरात, जुमा, इतवार। पढ़ाई के टाइम बात नहीं करनी। अमल के वक़्त अगर आप किसी प्यारे को या किसी को तस्सीर या तस्खीर करना चाहते हैं तो फिर बिल्कुल भी किसी से बात नहीं करें। अगर आप रिस्क के हसूल से करना चाहते हैं तो आप थोड़ी सी कोई मीठी चीज़ खा के अमल करें। अगर आप शादी और इस मकसद के लिए करना चाहते हैं तब भी कोई मीठी चीज़ खा कर करें। परेशानियों के लिए करना चाहते हैं तो नमक इस्तेमाल करके थोड़ा सा, तो फिर अमल करें। मेरे बताए हुए तरीके से अमल करें, यकीन माने कि इंशाल्लाह दोबारा कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। ये अमल इतना लाजवाब है, लोगों ने बहुत से अमल बताए लेकिन तरीका उस तरह नहीं बताया। वजीफे बता देते हैं, ये करो वो करो, वजीफा करो ये करो, लेकिन वजीफों का, वजीफे करने से पहले कभी ये तो सोचो कि अगर देखें अल्लाह पाक नमाज का वक्त मुकर्रर होता है, नमाज होती है, तो हर वक्त नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते? एक वक्त मुकर्रर क्यों है? फजर का वक्त है, ईशा का वक्त है, मगरिब का वक्त है, ज़ुहर असर का वक्त है, हर किसी का वक्त है। लेकिन यही अमल है, आप बस इस छोटी सी बात को समझें। वजीफा हर वक्त करो, लेकिन अब जवाल का टाइम क्यों है? जवाल दूसरे दिन में मुंतकिल क्यों होता है? सोचने की बात है ना। चांद क्यों निकलता है, सूरज क्यों नहीं रहता सारी जिंदगी? वक्त मुकर्रर है, तभी तो वजीफे असर नहीं कर रहे होते। थोड़ा सा इस चीज को मेरे प्यारे बहन भाइयों समझो। और जो मैं वजीफा आपको बताती हूँ, इसकी मैंने खुद ज़ुकात अल्हम्दुलिल्लाह दी होती है, तो इस वजह से मुझे आसानी होती है आपको बताने में। और अगर आप मुझे बताकर वजीफा करते हो तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपको सपोर्ट करूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, एक दफ़ा ज़रूर वजीफा कीजिएगा, अमल कीजिएगा, और इंशाल्लाह अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा। इस्तखारा रूहानी इलाज के लिए ज़रूर अपनी बहन को याद रखें। अपना ख्याल रखिएगा, जज़ाकअल्लाह खैरा।